हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई पज़ल लेके आए हैं आपके लिए। इस पज़ल में ये दी हुई फिगर है और हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फिगर में एक सेक्टर है और एक सेमी सर्कल है, तो और एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है। तो इस सिर्फ टेंजेंट की फिगर लेंथ का यूज़ करके हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। उसके लिए आपको एक 8 क्लास की थ्योरम पे मैं लेके जाना चाहूँगा, जो कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, जिसमें पी, ये टी, ये ए, ये बी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो यहाँ से ये लेंथ ए है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए बी है, और ये है ए बी प्लस सी। तो इस टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। हम यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मार्क कर लेते हैं। ये सपोज P मान लीजिए आप, ये T मान लीजिए, ये A, ये B, ये सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये लेंथ आप X ले लीजिए, ये रेडियस Y। तो सेमी सर्कल का ये भी रेडियस है, ये भी Y हो जाएगा, और ये दोनों सेम लेंथ है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेक्टर। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले जो आपको निकालना है वो क्या होगा, ये साइड एक्स और इस साइड के लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। ये लेंथ क्या है, एक्स प्लस टू वाई। तो फाइनली हमको आंसर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अभी हम अपने टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर हमें पता है फाइव, फाइव का स्क्वायर इक्वल टू पी ए है जो हमारा एक्स, और पी बी है एक्स प्लस 2y। सो अभी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 25। ये सिंपल सा यही हमारा एरिया था, जो कि आ चुका है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 25। सो फाइनली इतना छोटा सा थ्योरम यूज़ करके हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।